देखेंगे जी इम्पोर्टेंस क्या क्या है मोटिवेशन का। अभी तो आप देखे ही हैं कि मोटिवेशन का मींस होता है कि आप अपना बेटर 100% आप ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंप्रूव होगा आपका, क्या इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस लेवल। अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप सोचते हैं 100% देना है, तो आपका लेवल अपने आप क्या होगा, इंप्रूव होगा। दूसरा क्या होगा, आप बिना मतलब का जो अब्सेंट करते हैं वो अब्सेंट कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आज आपको यह बात पता चल गया साइबर कैफे जाने से कि 90% कट ऑफ देता है कोई एक छोटा सा कॉलेज भी, तो आप अपने आप मोटिवेट होंगे अगर उसको लिख के रख देंगे तो उसको ठीक करने के लिए क्या होगा, आप जो कोचिंग आते हैं इस कोचिंग में या स्कूल में, चलो स्कूल एक दो दिन आप अब्सेंट कर सकते हैं, बट कोचिंग आपने किस लिए ज्वाइन किया है, वहां पर आपको जो जरूरत था वो पूरा नहीं हुआ, तभी तो आप यहां ज्वाइन किए हैं। या कोई कहीं पर भी ज्वाइन करता है तो आप अब्सेंट क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी तरह से अगर कोई भी इंप्लाई मोटिवेट हो जाएगा तो वो अब्सेंट जरूर करेगा, बट किस समय अब्सेंट करना है, जिस समय वर्क कम है उस समय करेगा। फिर क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, काफी लोगों में ये बात रहता है ये हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप मोटिवेशन हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं। पहले आप क्या बोलते थे, मेरे से नहीं होगा, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हैं, जब वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं। तो क्या नेगेटिव एटीट्यूड हटता है मोटिवेशन से, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपको समझ आ जाता है कि हम लोग को कैसे एक एक रिसोर्सेस को यूज करना है, इसके बारे में लिखा गया है। फैसिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंजेज, जैसे ही मोटिवेशन आता है आप अपने आप एक चेंज फील करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में मोटिवेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मोटिवेटेड लोग, मोटिवेटेड पर्सन कोई भी काम को वक्त से पहले कर देंगे, और टू क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट, और इससे क्या होता है, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये सारे के सारे क्या थे, इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। तो चलिए आप इंपॉर्टेंस तक कर लिए,